जम्मू कश्मीर में पुरामन इंतखाबात, मोदी सरकार की पॉलिसियों की कामयाबी। जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली इंतखाबात करवाए जाएंगे और जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा भी दिया जाएगा, ये कह रहा है मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का। अमित शाह ने कल एक प्रसा एजेंसी के साथ इंटरव्यू के दौरान एक बहुत बड़ा बयान दे दिया, जिसपे उन्होंने ये बताया कि जम्मू कश्मीर में अलाइदगी पसंद भी बाहर जो है वोट डालने के लिए निकले। लेकिन उनका ये मानना था कि जिस तरह से यहाँ पर पुरमन इंतखाबात हुए और लोग जो है इस जमहूरी जश्न में शामिल हुए और जोश व जज्बे के साथ जो है वो कैंपेनिंग करते रहे और कैंपेनिंग में शामिल हो गए। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी एक बहुत बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। उनका मानना भी यही है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो अपनी सरकार के मुस्तहिक है और जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली इंतखाबात करवाए जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है। यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो भी मुसलसल गुहार लगाती आ रही है। लेकिन मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये मानना था कि जिस तरह से यहाँ पर लोकसभा इंतखाबात हुए और लोगों ने बढ़ चढ़ कर इनमें हिस्सा लिया और पुरअमन इंतखाबात यहाँ पर हुए, लोगों की डिमांड थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की डिमांड थी कि यहाँ पर असेंबली इंतखाबात भी लोकसभा इंतखाबात के साथ ही होने चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं था। सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर जो है ये फैसला नहीं लिया गया, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर असेंबली इंतखाबात करवाए जाएंगे। वहीं दूसरी मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का ये मानना था जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो चाहते हैं कि यहाँ पर इंतखाबात हो, लेकिन इससे कबल जो है यहाँ पर हदबंदी मशक की गई, उसके साथ ही वो बहुत ज़रूरी थी क्योंकि यहाँ के जो पसमानदा तबके थे उन्हें रिजर्वेशन देनी थी, तो वो अमल भी पूरा हो गया। अब यहाँ पर इंतखाबात यानी 30 सितंबर से पहले पहले करवाए जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के लोग है वो मुंतजर है कि यहाँ पर असेंबली इंतखाबात करवाए जाए। यहाँ की सियासी पार्टियाँ चाहती है कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम सब उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द यहाँ पर ये प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाए और जो ही लोकसभा इंतखाबात के नतीजे आते हैं उसके बाद जो है तमाम लोग जो है वो पुरामन तरीके से जिस तरह से लोकसभा इंतखाबात के लिए मुहिम चला रहे थे उसी तरह से वो इस जमहूरी जश्न में शामिल हो जाए, वो इसी तरह से असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम चलाएं। ऐसी जो है ऐसा हुक्मनामा जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो है वो जारी किया जाना चाहिए। सब लोगों को उम्मीद है कि मुस्तकबिल में ऐसा ही होगा और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के बाद जो है असेंबली इंतखाबात भी होंगे और लोग जो है अपनी मनमर्जी से यहाँ पर अपने नुमाइंदों को वोट डालकर असेंबली में भेजेंगे और वो उनकी तकदीर का फैसला भी करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वादी कश्मीर की 3 नशिस्तों की अगर हम बात करें तो वोटिंग टर्नआउट जो है वो वाकई रिकॉर्ड तोड़ रहा और लोग जो है झुक दर झुक बाहर आए और पूरे जोश व जज्बे के साथ जो अपने पोलिंग स्टेशंस पर गए, पोलिंग बूथ्स पर गए और वहाँ पर उन्होंने वोटिंग की। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे, यानी 30 सितंबर से पहले पहले यहां पर यह अमल भी मुकम्मल किया जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का भी यही मानना था कि अब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात भी करवाए जाएंगे। हम सब उम्मीद लगाए बैठे हैं, हम सब जो है उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये इंतखाबात का अमल जो है यहाँ पर शुरू हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।